हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम समझने वाले हैं। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा समझना मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगी इसको जितना सिंपलेस्ट वे पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ, ताकि हम लोग चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर डेवलप कर सकें। तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ, इससे पहले बेसिक यहाँ पर ब्रीफ अबाउट मी। एंड मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जैसे कि हमने इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ऐसे कई सारी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है अपने इस चैनल पे, जहाँ पर आपके सिलेबस को कंप्लीट वे पे कवर किया जाता है। ओके, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें, कनेक्टेड रहें। और आपको कोई क्वेरी है, एकेडमिक हेल्प चाहिए, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मुझे वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस वीडियो के नीचे भी अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज़ को कॉमेंट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन, आज का लेक्चर, दैट इज़ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। तो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली कई सालों में इवॉल्व हुआ है। ओवर द सेंचुरीज जो पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का, वो इवॉल्व हुआ है और शेप किया गया है चाइना के जो रिच कल्चर एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना ने सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो तो किया है, लेकिन विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम ये कहते हैं कि दिस इज़ द ब्लेंड ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी विद द चाइनीज यूनिक हिस्टोरिकल कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो चाइना में जो पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा चाइना के हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसका, चाइना का कल्चर सिस्टम का, चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम का, सोशल सिस्टम का भी, इन सारी कंडीशंस का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इनके पॉलिटिकल सिस्टम में। चाइना में ऑफिशियली जो चाइना है उसे ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के रूप में जाना जाता है, और गवर्न किया जाता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम CCP के नाम से जानते हैं। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की मोनोपोली आपको देखने को मिलती है पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री पे। सिंगल पार्टी सिस्टम है यहाँ पर, वन पार्टी सिस्टम है, और ये वन पार्टी सिस्टम कौन सी है, आपके जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। अब जो CCP है, इसका मोनोपोली है, मतलब कंट्रोल है ओवर द पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लीडरशिप जो है इस पार्टी की, और या कह सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम में, वो सेंट्रलाइज्ड है। तो इस जो CCP की लीडरशिप है, ये सेंट्रलाइज्ड होती है अराउंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द CCP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी या पोजीशन है इस पॉलिटिकल पार्टी की, जिसकी लीडरशिप आपको सेंट्रलाइज्ड वे पे देखने को मिलेगी चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये तो हो गया बेसिक बैकग्राउंड अबाउट दी चाइना के जो पॉलिटिकल सिस्टम है। हिस्ट्री अगर थोड़ा सा हम टाइमलाइन देखें चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम का, तो सबसे पहली स्टेज थी इम्पीरिकल चाइना। इम्पीरिकल चाइना आपका काफ़ी लंबे समय तक रहा है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक, जहाँ पर सीरीज ऑफ इम्पीरियल डायनेस्टीज़ ने रूल किया है चाइना में। तो एक तरीके से किंगडम सिस्टम था, इम्पीरियल चाइना था लगभग 2000 सालों तक, और ये 2000 तक सालों तक कई सारे डायनेस्टीज़ ने चाइना पे रूल किया है, और इनके अपने अपने पॉलिसीज़, अपने अपने तरीके थे रूल करने को। तो यहाँ पर पहली स्टेज हुई इम्पीरियल चाइना। सेकेंड है रिवॉल्यूशनरी चाइना। सेकेंड स्टेज आप देखोगे फॉलोइंग द 1911, जो रिवॉल्यूशन है या रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल फोर्सेस थी चाइना में, वो इमर्ज होना शुरू होती हैं, और इवेंचुअली धीरे धीरे ये रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस आपको फाइनली 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश करने या फाउंड करने में सक्सेस हो जाती हैं। इस रिवॉल्यूशनरी चाइना के स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कॉन्टेम्पररी चाइना। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो चाइना का है,
जो आफ्टर 1921 आप देखते हैं, तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना लार्जली शेप किया गया है कोर आइडियाज़ ऑफ द माओ। माओ के पॉलिटिकल आइडियाज़ थॉट्स हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, जहाँ पर हमने इनका डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट, इसके बाद से हमने इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। इसके बाद से रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे 1970s एंड 1990s में वहाँ के रूलर्स के द्वारा, ताकि चाइना को हम मॉडर्न वे पे एक तरीके से अलाइन कर सकें, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड हो रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, उस आधार पर इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म्स किए और जो बेस बनता है कॉन्टेम्प्रेरी चाइना का। तो ये तो हो गया हिस्ट्री। अब हम रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी देखें जो 1921 में स्टैब्लिश की गई थी। ओके, जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका काफ़ी सेंट्रल रोल रहा है चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने पे। वन पार्टी सिस्टम है सिंस 1941, जो कम्युनिस्ट पार्टी है दिस इज़ द ओनली लीगल पॉलिटिकल पार्टी इन चाइना, और इसका डोमिनेंस धीरे धीरे रिसेंट ईयर में ग्रो करते हुए आप देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में जो डोमिनेंस है, जो सेंट्रलाइजेशन है इस पार्टी का, वो ग्रो किया है। तो वन पार्टी सिस्टम हो गया। फिर आप अभी प्रेजेंट जो कॉन्टेम्प्रेरी में शी जिनपिंग एरा चल रहा है आप देखोगे, सो अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग द कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ शॉट टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स कंट्रोल। तो शी जिनपिंग एरा में आप देखोगे कि जो ये वन पार्टी है, या जो वन पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, ये इसने फर्दर अपने कंट्रोल को किस तरीके से ग्रो किया है, किस तरीके से स्ट्रेंथन किया है ओवर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइनीज सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में इनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, चाइना की जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी की, चाइनीज सोसाइटी की, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो डेवलपमेंट का एरिया हो, वहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने अपने कंट्रोल को और स्ट्रेंथन किया है, स्पेशली शी जिनपिंग की लीडरशिप के द्वारा। तो ये हो गया आपका एक बेसिक आइडिया। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें, या चाइना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस क्या है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है चाइना गवर्नमेंट की। चाइना, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेज होती हैं, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। तो चाइना के गवर्नमेंट का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव डोमेन में आती है द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, जिसे आप चाइना की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसे हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस के रूप में जानते हैं। इसकी मीटिंग एनुअली होती है, जो लॉज होते हैं उनको पास किया जाता है, अमेंड किया जाता है, बजट को अप्रूव किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है स्टेट काउंसिल, जो दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दैट इज़ अ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सो स्टेट काउंसिल जो है वो, उसका हेड कौन होता है, प्रीमियर, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे प्रोविंशियल, रीजनल एंड म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स होती हैं, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, जैसे हांगकांग एंड मकाऊ। तो लोकल गवर्नमेंट स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नीचे आती हैं, तो एक तरीके से हायरार्की यहाँ पर मेंटेन है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये प्रोविंशियल, क्योंकि चाइना एज अ कंट्री कई सारी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है। ओके, और इन प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट्स हैं, इनकी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं, जो रिजेंबल करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और ऊपर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे ये आपके प्रोविंशियल, रीजनल और म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स हैं, जिनका जो स्ट्रक्चर्स है, जो इनका फंक्शनिंग स्टाइल है, वो रिजेंबल करती है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो ये हायरार्की यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये दो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हांगकांग एंड मकाओ। कई बार यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलता है चाइना से फ्रीडम के लिए, कि भाई हमें इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनाई जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। अब आते हैं रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइनाज जो पॉलिटिक्स। तो हमने ये तो देख लिया कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सिंगल पार्टी सिस्टम है, और इसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है ओवर द ऑल डोमेन ऑफ द चाइनीज सोसाइटी। तो अब जो 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 कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पार्टी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को।
कम्युनिस्ट पार्टी एंड स्टेट आर वन एंड सेम इन चाइना। चाइना में अगर आप बात करो, चाइना का और जो सिमेट्री है या चाइना का सेम नेम, या तो कम्युनिस्ट पार्टी या चाइना, दोनों लगभग एक ही चीज़ हैं। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी एंड स्टेट आर वन एंड सेम इन चाइना विद द पार्टी कंट्रोलिंग ऑल गवर्नमेंट अपरेटस। गवर्नमेंट अपरेटस मतलब चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो मीडिया हो, जितने भी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, इस पार्टी के द्वारा, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, फ्रॉम टॉप टू डाउन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी अगर आप देखोगे तो पार्टी का वास्ट इन्फ्लुएंस एंड पावरफुल पोजीशन आपको देखने को मिलती है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द चाइनीज सोसाइटी, जैसे मीडिया, कोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर, मैंने ऑल चीज़ें ये आपको बता दी है। सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सारी डोमेन पे डोमिनेंस रहता है। पार्टी वर्सेस डेमोक्रेसी अगर यहाँ पर बात करो तो इवन जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर भी डेमोक्रेटिक फंक्शंस नहीं होते हैं पार्टी के खुद के इलेक्शन को लेकर भी, जिसको लेकर कई बार क्रिटिसिज्म भी होते रहते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो वहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसका रोल और नंबर्स और कॉन्ट्रोवर्सी अगर देखें तो हाइएस्ट ऑर्गन है स्टेट पावर की, जहाँ पर क्या होता है, सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। टू सेशंस होते हैं, मीट एवरी ईयर फॉर टू सेशन। ओके, जहाँ पर लॉज, बजट एंड ऑल पास किया जाता है। कई बार क्रिटिसिज्म होता है एनपीसी का, जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, कि जो एनपीसी है दो की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसी दिखती है। ओके, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कंट्रोल चलता है जो कम्युनिस्ट पार्टी है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर के तहत तीनों ब्रांचेस को इस्टेब्लिश तो किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसा रिजम्बल होता है, अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कंट्रोल किसका चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी का। ओके, चाहे वो इलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो डेलीगेशन वोटिंग हो रिगार्डिंग टू एनीथिंग, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जस्ट बिहेव लाइक अ पपेट। ओके, ये क्रिटिक्स कहते हैं। अब स्टेट काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसको देखें तो हेड हमने ऑलरेडी देख लिया, इसके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, ही और शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड बाय द एनपीसी। ओके, जो एनपीसी आपका नेशनल पीपल कांग्रेस है, जो लेजिस्लेटिव है। ओके, वहाँ पर जब, और जो रोल है प्रेसिडेंट का, लार्जली सेरेमोनियल, रियल पॉलिटिकल पावर रिसाइड्स विद द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीसीपी। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, हमने सब देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन किसकी है, यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, और वही लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, वही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम को किसके द्वारा इंस्ट्रक्ट या ऑपरेट किया जाता है, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। ओके, दो की ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जैसा दिखेगा। ओके, पावर्स की बात करें, जो स्टेट काउंसिल है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़। जो नेशनल पीपल कांग्रेस के द्वारा जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का, और चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव कौन है, द स्टेट काउंसिल। ओके, मेंबर्स की बात करें तो स्टेट काउंसिल को जो मेंबर्स हैं इसमें आपके सारे वो लोग आ जाते हैं, जैसे कि वाइस प्रीमियर्स, स्टेट काउंसलर्स, मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मेजर स्टेट काउंसिल डिपार्टमेंट। जस्ट लाइक जैसे इंडिया में आप देखो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या होता है, हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पावर्स कौन एंजॉय करता है, प्राइम मिनिस्टर विथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मेंबर्स की बात करें तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, ये सारे लोग होते हैं। तो उसी तरीके से चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में द स्टेट काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के रूप में ऑपरेट करती है। उसका हेड हमने देख लिया, पावर देख लिया, मेंबर्स देख लिए। अब हम जुडिशियल ब्रांच के ऊपर देखें अगर, तो सुप्रीम जो पीपल्स कोर्ट है वहाँ पर, वो जुडिशियल में हाईएस्ट कोर्ट है चाइना में, जिसे हम सुप्रीम पीपल कोर्ट के रूप में जानते हैं, और इसके पास एपेलेट ज्यूरिडिक्शंस और फाइनल ज्यूरिडिक्शन भी इसके पास ही है, एक ही उसके। तो और इसके पास जो पावर है ना, वो चाइनीज़ लॉ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस दोनों से रिगार्डिंग है इसका। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप इसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हो यहाँ पर, और इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है जिस तरीके से
स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है लीगल प्रोफेशन में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जुडिशरी में। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखें तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस, उसका कंट्रोल हर एक डोमेन में देखने को मिलेगा चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में और चाइना की सोसाइटी में। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते रहते हैं चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, जिस तरीके से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज़ हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंड कॉन्ट्रोवर्सीज़ होती हैं। तो सेंट्रलाइज्ड पावर, जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बिहेव कर एक तरीके से ऑपरेट कर रही है, उसको लेकर यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से करप्शन, सिविल अनरेस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसका जो एजेंडा है, उसको आप यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग। सेंसरशिप एंड रिप्रेशन, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो सेंसरशिप जैसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन को रिप्रेस किया जाता है, मतलब एक तरीके से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू देयर एक्शन। सो लैक ऑफ डेमोक्रेसी फाइनली। सो फाइनल चीज़ यहाँ पर निकल कर क्या आती है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, कि भाई चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फ्री इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं चाइना के, उनका अपने पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं फेथ जो है वो डाइल्यूट होता है। तो ये हो गया इसका कंक्लूज़न। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना ओवरऑल। एक तरीके से ये एक जनरल लेक्चर है, जिससे कि आप बेटर समझ सकें चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को। बाकी हम लोग इस पर एक सेपरेट लेक्चर्स ले सकते हैं, जैसे कि स्टेट काउंसिल पर लेक्चर लिया जा सकता है, हम इनकी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उस पर एक सेपरेट लेक्चर्स लिया जा सकता है, लोकल गवर्नमेंट पर लेक्चर्स लिया जा सकता है, और साथ ही साथ जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उस पर भी हम एक लेक्चर्स ले सकते हैं, कि इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें तीन और चार मिलाकर कुछ टोटल लेक्चर्स बनते हैं। तो ये तो ओवरऑल लेक्चर्स था, जिसमें हमने एक ही लेक्चर्स पे सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझा। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैम सेपरेट लेक्चर्स लीजिए आप वहाँ की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में, लेजिस्लेचर ब्रांच के बारे में, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स में, और साथ साथ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, तो हम लोग मैं तभी अगर आप कॉमेंट्स करेंगे मुझे, कुछ मुझे सिग्निफिकेंट कॉमेंट्स मिलेंगे, तो ही मैं इस पर सेपरेट लेक्चर्स बनाऊँगी, ताकि आप पॉलिटिकल सिस्टम, जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको और बेटर वे पे समझ सकें, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग रख सकें। तो मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको चाहिए क्या इन पर सेपरेट वीडियोस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।